हेलो लर्नर्स, तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आपके हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं से। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और जो भी आपको डाउट्स वगैरह होंगे वो ये लेसन्स के द्वारा क्लियर हो जाएंगे। और अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी, ठीक है? तो देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हम जिस देश में रहते हैं वो है भारत, ठीक है? अब भारत देश में हमारे यहाँ बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, एक दो तीन ऐसे नहीं, बहुत सारे त्यौहार हम अपने देश में मनाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो, हर एक त्यौहार के पीछे ना कोई रीज़न रहता है, कोई ना कोई सीन रहता ही है और उसे मनाने का कोई कारण रहता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, दशमी, दशमी मतलब दशहरा। दशहरा हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस समय रावण का वध हुआ था, फतेह यानी उसको राम भगवान ने मतलब उस वो किया था, ख़त्म किया था उसकी बुराइयाँ एंड ऑल। तो हम इसीलिए हर दशहरे पे रावण का पुतला जला के उसका जो अपने अंदर की बुराइयाँ हैं उसे किल करते हैं, मारते हैं। तो उसी तरह हर एक त्यौहार के पीछे कोई ना कोई रीज़न रहता है। तो जो चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक ऐसे ही त्यौहार पे डिपेंड करता है ना, ऐसा ही त्यौहार है। तो देखते हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हृदय का उजाला कविता, जिसको लिखने वाले हैं कवि रमाकांत यादव जी। तो हृदय का उजाला कविता क्या है, इसमें मतलब किस बारे में है, वो सब हम इस कविता में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो उससे पहले हम स्टार्ट करें, थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं, जैसे कि रमाकांत यादव जी कौन थे, क्या थे, है ना? तो रमाकांत यादव जी का जन्म हुआ था 1963 में जौनपुर, उत्तर प्रदेश में। अब रमाकांत यादव जी जो थे वो हिंदी भाषा के सजग रचनाकार हैं, ठीक है? वो एक हिंदी भाषा के रचनाकार है, जो हिंदी भाषा को ऐसे सब बुक वगैरह लिखते हैं। आपकी रचनाएं राष्ट्रीयता और नैतिकता के भावों से परिपूर्ण है। तो इनकी जो रचनाएं हैं, ये जो स्टोरीज़ लिखते हैं, अपने जो हिंदी की रचना करते हैं, वो उनकी रचनाओं में, उनकी स्टोरीज़ में क्या देखने मिलता है ना, उनकी स्टोरीज़ में नैतिकता और राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता मतलब नेशनैलिटी और नैतिकता यानी मॉरलिटी, ठीक है? तो ये दो चीज़ें हमें देखने मिलती हैं, हमें मॉरल वैल्यूज़ पता चलते हैं और हमारे अंदर का जो नेशनल वैल्यू, हमें जो एक सिटीज़न होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो भी इनकी कविता से पता चलता है। ज़्यादातर वे वैसी कविता लिखते हैं। तो इसकी और इनकी बहुत सारी कविताएं, जैसे कि एक तो हम आज पढ़ेंगे हृदय का उजाला, दूसरा यह समय कब तक रहेगा, फिर तीसरा गीत जिंदगी के, फिर चौथा है अपनापन, और ऐसी बहुत सारी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं, ठीक है? ऐसी स्टोरीज़ उन्होंने, ऐसी कविताएं, स्टोरीज़ उन्होंने बहुत सारी लिखी हुई हैं सब। तो अगर आपको अच्छी भी लगे तो आप उनकी स्टोरीज़ को ऐसे पढ़ सकते हो, जस्ट फॉर नॉलेज। नाउ अब ये पद्य से संबंधित जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या पढ़ेंगे हम। तो प्रस्तुत गीत में कवि रमाकांत यादव जी ने हमें दीपक जैसे बनने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है? तो ये जो गीत है, कविता है, उस कविता में हमें कवि जो रमाकांत जी हैं वो हमें दीपक यानी दिए की तरह बनने के लिए कहते हैं, प्रेरित यानी मोटिवेट करते हैं, ठीक है? मोटिवेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपका मानना है कि त्योहारों, उत्सवों के अवसर पर दिखावा करने की जगह भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र देना, दीन दुखियों की सेवा करना अधिक श्रेष्ठ है। तो हाँ, यहाँ पे जो कवि हैं रमाकांत यादव जी, वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि जब हम त्यौहार मनाते हैं तो देखो हम कितने चाव से मनाते हैं ना, हम अपने घरों को सजाते हैं, फिर डेकोरेट करते हैं, ये वो, तो ये सब दिखावा है इनकी सोच के लिए, ठीक है? ये ऐसा मानते हैं। तो ये कहते हैं कि ये सब दिखावा क्यों करना, अगर आपको सच्चा त्यौहार मनाना है, अच्छे से मनाना है, तो जो गरीब लोग हैं आप उनकी हेल्प करो, जो भूखे हैं उन्हें खाना खिलाओ, जो जिनके पास कपड़े नहीं हैं आप उन्हें कपड़े दो, वस्त्र दो,
फिर जो दीन दुखिए हैं, दीन दुखिए यानी जो परेशान व्यक्ति है, बहुत उनको कोई हेल्प नहीं है कहीं से, उनकी आप सेवा करो। तो ये सब काम करोगे तो आपको जो यू नो जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, वो वर्ल्ड से बहुत ऊपर तक है, और आप एक बहुत ही श्रेष्ठ यानी बहुत अच्छे पर्सन बन सकते हो ये चीज़ से। ठीक है, तो उनकी कविता पे एक बार देख लेते हैं। तो पहले मैं आपके लिए ये कविता एक बार रीड करूँगी, फिर एक एक पैरा करके हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो हृदय का उजाला, जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम जब उजालों से घर क्यों, अंधेरा हृदय में उजाला तो लाओ। कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। न फूल झड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो पटाके, भोजन नहीं जिनके दे जाओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर दिलाओ, सॉरी खिलाओ। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरों को, अनगिन दीप मिलना दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेह जो लगा तक न पाते। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। तो जैसे कि हमने देखा कविता पढ़ते ही, ऐसे बहुत सारी लाइन्स हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी कि वो कहना क्या चाहते हैं ये पूरी कविता से। तो एक एक करके हम इसकी एक एक पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। तो आप जब दिया जलाते हो तो उसमें स्नेह, स्नेह यानी प्यार, प्यार से आप दिए जलाते हो ना, तो कह रहे हैं वो प्यार से जो दीप जला रहे हो उससे अच्छा अपने जो हृदय है, अपना जो दिल है, उनमें आप दीप जलाओ, उसमें आप उजाला करो, आपके मन में अंधेरा नहीं रहना चाहिए। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो जलाओ। तो वो कहते हैं कि हम घरों में दिए जला जला कर उजाला कर देते हैं, लेकिन हमारा हृदय, हमारे हृदय में उजाला नहीं होता, हमारे हृदय में, हमारे दिल में वो मतलब प्रेम जला यानी प्रेम। तो हमें दूसरों के लिए प्रेम जगाना चाहिए। ठीक है, तो पहली कविता, अरे सॉरी, पहला पैराग्राफ ऐसे लाइन में है, ऐसा कहा गया है। दूसरा पैराग्राफ, कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। तो ये कह रहे हैं, अगर आपने देखा होगा दिवाली के त्यौहार में कहीं उजाला होता है तो किसी के घर में अंधेरा होता है। वो इतने अमीर नहीं होते हैं कि वो दिया ना, दिया खरीद के जला सकें, फटाके फोड़ सकें, अच्छे अच्छे स्वीट्स खा सकें, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकें। तो ये वही करना चाहते हैं कि कहीं पर दिवाली मनाई जाती है तो कहीं पर सूनापन होता है, कहीं किसी के पास कुछ भी नहीं होता है, कहीं खुशियाँ होती हैं तो कहीं लोग गमों में ही डूबे रहते हैं, गम ही गम होता है, उनके लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं होती है। तो उन दीन दुखियों के, वो जो दुखी इंसान है, उनके दुखों को मिटाओ। आप कोई भी कोशिश कर सकते हो तो आप वो कोशिश करके उनके दुखों को मिटाने की कोशिश, नहीं ये नहीं कह रहे हैं आप उनको अपने घर पे ले आओ, आप उनको घर पे रखो, नहीं, आपसे जो छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है ना, आप वो कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी हेल्प कर रहे हो सामने वाले का, दैट मीन्स आप उसके लिए वो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो वो वैसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अपने दिलों के घरों में दिए जलाने से अच्छा अपने हृदय के दीप जलाओ। न फुलझड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो फटाके, भोजन नहीं जिनके दे जाओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों को
स्वर्गलोक का दीप तो जलाओ। तो उन्होंने कहा है तीसरे पैराग्राफ में कि जो हम फुलझड़ियाँ, जो हम फटाके ऐवें लेकर फोड़ देते हैं सारे, यू नो, बस वो पेपर ही तो रहता है और उसमें आपका डायनामाइट रहता है, वो फोड़ते हो, क्या मज़ा मिलता है? कुछ मज़ा मिलता है नहीं। वही पैसे अगर आप किसी के लिए खाना खरीद के उनको अगर भूखे को खाना खिला रहे हो तो वो एक बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो आप ऐसा करो, वो फटाके फोड़ने से अच्छा, वैसे भी फटाके फोड़ने से पोल्यूशन होता है, यू नो, जो फोड़ते हैं तो रोड कितना गंदा दिखता है, रोड इतना मैसी हो जाता है, सब जगह पेपर पेपर पेपर, प्लस उसका जो एयर पॉल्यूशन हो जाता है उसके डायनामाइट से जो स्मोक निकलता है, फिर उसके साथ साथ साउंड पॉल्यूशन होता है, मतलब इतनी सारी गंदी चीज़ें हो जाती हैं उससे। तो वो सब छोड़ दो, उससे अच्छा एक अच्छा काम कर दो, जिनको खाना नहीं मिल रहा उनको आप खाना खिलाओ, फिर जिनको मलहम, मतलब उनके ज़ख्मों पर मलहम लगाओ, ऐसा ही होता है ना कि अगर आप जाके उनकी तकलीफ़ें सुन रहे हो, समझ रहे हो, उनके लिए कुछ कर रहे हो, तो उनके ज़ख्मों पर ये मलहम लगाना हो गया, ठीक है। तो ये सब कैसे होगा? जब आप अपने दिलों में दीप जलाओगे, अपने दिलों का अंधेरा मिटाओगे, मतलब उनके लिए अपने दिलों में प्यार जगाओगे। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया? उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। तो आपने अपने घर में दीप जला लिया, पर क्या आपने सच में मिटा दिया अंधेरा? नहीं, पता नहीं, आपने अपने दिलों के अंधेरे तो मिटाए नहीं, आपने अपने घरों में उजाले किए हैं। तो आपने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया है? नहीं खिलाया होगा, मोस्ट ऑफ द लोग खिला भी देते हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि सब लोग ऐसे होते हैं, बट कविता में ऐसा कहा गया है कि आपने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया, वो पूछ रहे हैं आपसे। तो ये जो है, ये सब चीज़ें जिन जिन लोगों को, मतलब ऐसा होता है ना, जिन लोगों को उजालों की चाहत नहीं होती, वो नहीं सोचते हैं कि मुझे इतना लग्जरियस चीज़ चाहिए, मुझे इतने आलीशान महल में रहना है, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है, उनको वो सब नहीं चाहिए। तो उनके पास जाओ, उनको रोटी खिलाओ, उनकी सहायता करो, ये सब चीज़ें करो आप। तो ये सब आप देख सकते हो, ये पूरा पोएम जो है वो मॉरेलिटी पे बेस्ड है, ये मॉरल वैल्यूज़ में आपको मिल जाते हैं ऐसे सब, ठीक है। फिफ्थ पैरा, पहला ही दीपक बहुत है अंधेरों का, अनगिन दीप मिलना दिल को सजाते। तो कह रहे हैं कि पहले ही दीपक तो बहुत है अंधेरों के लिए, है ना, अंधेरे मिटाने के लिए आपको बहुत सारे दीपक मिल जाएंगे। तो अनगिन, अनगिन यानी बहुत सारा, जिसको आप गिन नहीं सकते हो, ठीक है। तो अनगिन दीप मिलके आप दिल को सजाओ, उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक ना पाते। तो जो स्नेहक यानी लेप हो सकते, लेप बोलते हैं, तो उनसे जाकर पूछो कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है आपको देखकर, या ये सब चीज़ें देखते हैं अपने सराउंडिंग में, फिर उनको क्या फील होता है, उनकी जो हालत रहती है उनको कैसा लगता है, कि जिनको तकलीफ़ होती है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, उनसे जाकर बात करो, तब आपको पता चलेगा उन पे क्या बीत रही है। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। तो वो कहना चाह रहे हैं पोएट हमारे जो हैं, कि उनके जो बुझे दिल हैं, जो हमेशा नारा, मतलब ऐसे उदास उदास रहते हैं, कभी उनके साथ जाकर बात करो, कभी उनसे अपनी चीज़ें, मतलब कुछ दो, उनको खुश करो, कपड़े दो, भोजन दो, ये सब करोगे तो वो भी कभी ना कभी उनके भी चेहरे पे स्माइल आएगी। और ट्रस्ट मी, उनके चेहरे पे ये जो स्माइल आएगी ना, वो सबसे ना वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीज़ होगी आपके लिए। आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, वो उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं होगा आपको, ऐसा लगेगा। और प्लस एक और चीज़ है, जब आप ऐसे किसी इंसान की मदद करते हो जो सच में मुसीबत में हो ना, तो उनके दिल से जो आशीर्वाद या जो दुआ वो आपको देते हैं ना, वो सबसे बेस्ट दुआ होती है ना। सब आप वो दुआ को कोई कुछ नहीं खरीद सकता, कितने भी पैसे दे दो आप किसी को, वो दुआ आपको नहीं मिलेगी। लेकिन एक किसी ऐसे इंसान की मदद करने के बाद वो दुआ मिलेगी, तो आप बहुत लक्की पर्सन होगे, ठीक है। तो बस आज का पोएम कुछ इसी तरह था। तो आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छा लगा हो, रमाकांत जी का, और इनकी और भी बहुत सारी रचना
रचनाएं हैं, आपको अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, आपके पास इंटरनेट है, गूगल है, तो आप सर्च करके आपको अगर अच्छा लगे तो आप पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।